हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना। एक बार फिर से आपको मेरे चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से आपके लिए बहुत खास वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसे कि आपको टाइटल से पता ही चल ही गया होगा, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो हाँ गाइस, मैं आपसे बात करने वाली हूँ वीडियो के चलिए यूट्यूब चैनल के बैनर के बारे में कि यूट्यूब का चैनल का जो बैनर होता है वो क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए, सिंपल शब्दों में बता दूँ, आपने देखा होगा ना फेसबुक पे गोल गोल सा जो आइकन होता है, उसमें फोटो लगी होती है, उसके ऊपर जो बड़ा सा प्रोफाइल पिक्चर लगा होता है पूरे जो पेज को कवर करता है, उसे वो एक बैनर टाइप ही होता है, जैसे नाम से पता चलता है। तो इसी तरीके से यूट्यूब के अंदर भी होता है। यूट्यूब में जैसे यूट्यूब का जो लोगो होता है, लोगो पर जब हम क्लिक करते हैं तो चैनल के मेन पेज पे पहुंच जाते हैं, होम पेज पे, सॉरी होम पेज बोल रहे हैं, मेन पेज बोल रहे हैं, सेम बात है। तो होम पेज पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पर ना पीछे काफ़ी बड़ी जो है जो सेटिंग्स का ऑप्शन होते हैं, वीडियो, स्टोरी, कमेंट, कम्युनिटी टैब, इनके मतलब इनमें जब होम पेज पर क्लिक करते हैं ऊपर जो काफ़ी बड़ा जो है बैनर आ जाता है। तो वो बैनर मतलब वही है कि एक अच्छा इंप्रेशन डालता है यदि आप उस पर लगाते हैं तो। और इसके अलावा चैनल का बैनर और लोगो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है यदि आपको यूट्यूब की एक सेटिंग है कस्टम यूआरएल, उसको इनेबल करना है तो ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया चैनल मेरा होता क्या है, यानी कि जो आइकन होता है उस पर क्लिक करते हैं, चैनल का जो लोगो होता है उस पर क्लिक करते हैं, उसके होम पेज पर पहुँच जाते हैं, वहाँ जो बड़ा सा जो फोटो लगा होता है उसे बोलते हैं चैनल बैनर। और इस बैनर का यूज़ क्यों है, क्योंकि यदि आपको चैनल का कस्टम यूआरएल ऑन करना है, वो जो ऑप्शन ऑन करना है, तो आपका लोगो और चैनल का बैनर का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, बात करते हैं कि चैनल बैनर बैनर आपको पता चलेगा क्या है, इसका क्या यूज है, ये आपको पता चलेगा। अब बात आती है ये कि चैनल का जो बैनर है वो कैसे बनाएं, कैसे डिज़ाइन करें, तो इसका भी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, चैनल का बैनर बनाने के लिए काफ़ी सारे वीडियो जो है यूट्यूब पर है, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जो सिंपल साधारण आसानी से जो आप बना सको चैनल का बैनर, तो उसके लिए आपको तो पिकार्ट यूज़ कीजिए, ये एक ऐप का नाम है, या पिक्सल लैब नाम की एक ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए, उससे आप अपने चैनल का बैनर बनाइए। पिक्सल लैब को भी बहुत सारे यूज है, लोगो बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, और आपका थंबनेल बना सकते हैं, तो उससे रिलेटेड भी अब सोचते भाई हम इंस्टॉल कर लें, हम बनाएंगे कैसे, तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल की पिक्सल लैब में लोगो कैसे बनाए, चैनल का बैनर कैसे बनाए, कैसे साइट सेलेक्ट करें, तो ये सारी ट्यूटोरियल सारी वीडियोज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है ऑलरेडी पहले से ही, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं कि अपने चैनल का बैनर खुद से कैसे बनाएं। पिक्सल लैब में बनाना है तो पिक्सल लैब टाइप कर दीजिए कि पिक्सल लैब में चैनल बैनर कैसे बनाएं, या यदि आपको पिकार्ट यूज़ करनी है तो उसमें ये टाइप कीजिए कि पिकार्ट से अपने चैनल का बैनर या लोगो कैसे बनाएं, तो बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सीधी साधारण शब्दों में लगे कि हाँ भाई अच्छी तरीके से समझा रहा है, उसको आप फॉलो कीजिए, अपने चैनल का बैनर बना लीजिए। आपको पता लगा चैनल बैनर है क्या, उसका क्या यूज है, ये पता लगा, कस्टम यूआरएल को ऑन कराने का वो है एक जरिया, दूसरा ये कि उसका एक अच्छा इंप्रेशन बनता है चैनल का। नंबर 3, चैनल बैनर का हम बनाएं कैसे, ये भी आपको पता चल गया। अब बात आती है बैनर तो बना लें लेकिन उसको लगाएं कैसे, तो इसके लिए एक छोटी सी बात है, जब आप होम पेज पर जाते हैं चैनल के बैनर पर आप क्लिक करते हैं तो साइड में ना एक छोटी सी पेंसिल टाइप का आइकन आ जाता है, पेंसिल से बनी होती है कॉर्नर में राइट हैंड साइड पर, उस पर आप क्लिक करते हैं ना तो आपका गैलरी का ऑप्शन खुल जाता है, वहाँ से आपका जो बना हुआ जो आपने बनाया है चैनल का बैनर, तो वो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिंपल, तो ये सारी बातें मैंने आज की वीडियो में बताई कि चैनल का बैनर है क्या, कैसे बनाते हैं, क्या उसके यूज हैं और कैसे उसे अपलोड करते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे के कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी मुझे बताना। आई होप आपको वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। See you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।